फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, ठीक है, उससे एक लड़का आसानी से पट गया, तो लड़की को खुद मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो लड़का बहुत ही सिंपल उसको लगा, फट से पट गया, ठीक है। लेकिन लड़की को कब ट्रिगर होता है, जब कोई लड़का मुश्किल से पटता है, तो हम लोग में प्रॉब्लम है, हम लोग से जो आसानी से पटता है तो हम लोग को खुद उससे बात करने मजा नहीं आता है, समझ रहे हो। जो लड़की आपको तड़पाती है, जो लड़का आपको पगलाता है अपने पीछे, वहां ठीक आप लोग ट्रिगर होते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि सिर्फ ये एक फॉर्मूला से, सिर्फ ये एक फॉर्मूला से जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उस एक फॉर्मूला से आप किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकते हो, किसी को भी, ठीक है। मान लो आप लड़के हो, किसी लड़की को देखे, उसको आप अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हो, पटाना चाहते हो, ठीक, तो ये फॉर्मूला से वो आ जाएगी। मान लो आप लड़की हो, कोई लड़का आपको पसंद है, ठीक है, उसको आप पटाना चाहते हो, तो मेरे इस फॉर्मूला से वो पट जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है वो तो आगे बताऊंगा, रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना और एकदम अभी लाइक मार दो, 500 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए, एक एक इंसान मारो लाइक, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मेरे से कई सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि सर मेरे ऑफिस में एक लड़की है सर, एक कलीग है, मैं उसको सर मतलब कैसे इंप्रेस करूं सर, मैं मुझे वो बहुत पसंद आती है, मैं सर चाहता हूं वो मेरी गर्लफ्रेंड बने, या बहुत लड़कियां भी ये चीज मुझे बोलती है कि सर एक लड़का है, मैं दूध लेने जाती हूं सुबह सुबह, वो लड़का भी उधर ही आता है दूध लेने के लिए, सर देखता तो है, मैं भी देखती हूं, लेकिन सर बस 6 महीना से वो मैं देखते ही जा रही हूँ, वो कभी देखता है कभी नहीं देखता है, मैं क्या करूँ सर, मैं पटाना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो, बेसिकली ये वीडियो किसी को अपने प्यार में गिराने के लिए है, ठीक है, उस टॉपिक में बात कर रहे हैं। आप ऑफिस में हो, कोई लड़की को आप पटाना चाह रहे हो, इंस्टीट्यूट में हो, या कोई भी वर्क प्लेस में हो, आप समझ रहे हो, या मोहल्ले की है कोई लड़की, मोहल्ले का है कोई लड़का, ठीक है, मतलब आप किसी को भी चाहो तो आप अपने प्यार में गिरा सकते हो। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोल रहा एकदम 100% गारंटी है, लेकिन काम करेगा भाई, मेहनत करोगे काम करेगा, ठीक है, मैं मतलब फालतू का उम्मीद क्या दूं। सुनिएगा, ये बात बिल्कुल सच है कि हर इंसान, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी पटने के लिए बैठे हैं, समझ रहे हो। कोई भी लड़की हो, चाहे वो कितनी भी स्ट्रिक्ट हो, कोई भी लड़का हो, वो कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, हर तरह से स्ट्रांग हो, वो भी पटने के लिए तैयार है। वो उसको भी आप इंप्रेस कर सकती हो, इतना मजबूर कर सकती हो किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को कि वो आपके एकदम पति पत्नी बन जाए, ठीक है। हर इंसान पटने के लिए तैयार है, हर इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, ये एकदम बात फैक्ट है भाई। लेकिन क्यों नहीं आप लोग गिरा पाते हो किसी को अपने प्यार में, या गिरा भी देते हो तो वो रिलेशनशिप लंबा क्यों नहीं चल पाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई और भाइयों की बहनें, देखिए आप लोग, हर इंसान का ना एक अपना रडार होता है, हर इंसान का अपना एक कवरेज होता है, हर इंसान का अपना एक जोन होता है, एक क्षेत्र होता है। आप अगर उसके रडार में, उसके जोन में, उसके क्षेत्र में, उसके कवरेज में घुस गए ना, तो वो वहीं पे आपसे सेट हो जाएगा। कोई भी लड़की हो, बहुत लड़के होते हैं अमीर और सुंदर लड़कियों से ना एकदम डर जाते हैं, ओ माय गॉड इतनी हाई प्रोफाइल लड़की, गोरी चिट्टी यार, ये तो रील बनाती है, ओ माय गॉड 5 लाख फॉलोवर हैं, बाप रे बाप मेरे औकात से बाहर है, ओ माय गॉड यार ये तो इंस्टाग्राम चलाती है, बाप रे बाप इतने फॉलोवर हैं इसके, कितने लौंडे इसको मैसेज करते हो, मैं तो नहीं पटा पाऊंगा यार, ओ माय गॉड ये इतने शॉर्ट ड्रेस, मॉडर्न लड़की है शॉर्ट ड्रेस पहनती है, या कोई लड़का अमीर देख लिए आप, ठीक है, कैसे आप लोग डर जाती हो, ये डर जाते हो, ओ माय गॉड औकात से बाहर है, वो भी आपसे पट सकता है। क्योंकि वो इंसान का, चाहे अमीर हो, चाहे हैंडसम हो, चाहे सुंदर हो, चाहे जो हो, उसका भी अपना एक रेंज है, पटने का रेंज, आपको बस उस रेंज में घुसना है, उसके रेंज में घुस गए तो वो पट जाएगी। अब आप बोलोगे क्या रेंज, थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेंज मतलब रडार, मतलब कि उसका भी कुछ अपना एक वो है, मतलब कुछ पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को आप छू लिए, ठीक है भाई, पट जाएगा। मान लो कोई लड़की है, अमीर लड़की है, ठीक है, उसको देख के डर गए, ओ माय गॉड ये पटेगी नहीं, लेकिन क्या पता उस लड़की के बारे में अगर आप रिसर्च मारोगे तो बचपन में उस लड़की की माँ गुजर गई थी, ठीक है, बाप तो है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है, बाप पूरा 4 फैक्ट्री है उसके बाप का, तो ये बहुत पैसे उड़ाती है, ठीक है, लेकिन दिल की ये लड़की अच्छी है, और माँ को लेके, क्योंकि माँ बचपन छोटी थी मर गई, माँ को लेके बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। अब उसका सॉफ्ट कॉर्नर क्या हुआ, मम्मी। अगर आप उससे बात कर रहे हो, बातों बातों में थोड़ा माँ को लेके, ठीक है, वो इमोशनल हो गई, और उस समय आप जानबूझ के नहीं, ऐसे भी नेचुरली आप उसको पैम्पर कर दिए कि अरे यार मैं समझ सकता हूँ एक माँ का दर्द, माँ खोने का दर्द मैं समझ रहा हूँ, ये वो, ठीक है, मैं क्या बोलूँ, मेरे भी पापा नहीं, समझिए आपकी माँ नहीं है, मेरे भी पापा नहीं,
ये क्या हुआ, उस लड़की के रडार में आप घुस गए, वो लड़की को ट्रिगर होगा, वो माय गॉड यार ये भी एक इंसान को खो चुका है, मैं अपनी माँ को खोया, ये अपने पापा को खोया, आप समझो रडार में चले गए, वहीं से आपका चलना स्टार्ट हुआ और लड़की धीरे धीरे और घुसते गई इमोशनली आपके रडार में, आप उसके रडार में घुसे, वो आपके रडार में घुस गए, दोनों रडार घुस गया एक दूसरे में, हो गया रिलेशनशिप स्टार्ट। ठीक है, मैं ये नहीं बोलने, वो ये गलत चीज करने नहीं बोल रहा हूँ कि पहले पता लगाओ माँ उसकी मरी है, ये सब चीज नहीं बोल रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल दिया आपको। उसी तरह मान लो कोई लड़का है, लॉकडाउन लगा था तो उसकी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब चली गई, घर में तंगी आ गई, गरीबी आ गई, अब वो लड़का को बहुत ताना दिए थे उसके घर परिवार लोग। ठीक है, अगर ये चीज आपको पता चल जाए और आप लड़की हो और आप भी उस लड़के से डिस्कस की बातों बातों में कि यार आपने जॉब खोया, मेरी भी जॉब चली गई थी यार लॉकडाउन में, मतलब क्या बोलूं यार मैं, दर्द समझ सकता, ये क्या हुआ, कॉमन पॉइंट आ गए, आप उसके सेंसिटिव चीज को आपने टच कर दिया। ठीक है, एक मौका मिल गया आपको रडार में घुसने का, समझिए, बस वो भी धीरे धीरे आपसे बात करना स्टार्ट, मतलब इसी तरह होता है। अब बहुत लोग हैं जिम में भी किसी लड़की को या किसी ट्रेनर को या किसी लड़के को पटाना चाहते हैं, भाई उधर तो सबके बॉडी बने हुए हैं, है? उधर तो एक लड़की है, मान लो 10 लड़का सब डंबल उठा उठा के बॉडी, फिर भी उसमें से एक लड़के ही क्यों पटा लेते हैं, क्योंकि उस लड़की का जो रडार होता है, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो एक लड़का, बाकी 9 लड़के फेल हो गए, वो एक लड़का उस पॉइंट को छू लिया, और वो लड़के का भले ही सिक्स पैक नहीं है लेकिन कुछ जो जो पॉइंट था उस लड़की का उसने छू लिया, आप समझ रहे हो, मतलब किसी तरह आपको रडार में घुसना है। आप कोई भी, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो वहां कोई लड़की पसंद है, आप स्कूल मतलब कॉलेज में हो वहां कोई लड़की पसंद, भाई हर इंसान पटने के लिए बैठा है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कुछ बहुत कोशिश किया पटी ही नहीं, तो भाई उसके जो जो पॉइंट्स हैं आप फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब उसका रडार में आप घुस नहीं पा रहे हो। ठीक है, उसके रडार में कोई दूसरा घुस लिया और वो भी खींच लिया अपने रडार में उसको, तो वो लोग समझ रहे हो ना, आपको कुछ भी स्टडी करना होगा, आपको रिसर्च मारना होगा, किसी भी लड़की को आप पटाना चाह रहे हो, किसी भी लड़के को आप पटाना चाह रहे हो, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है, सबसे पहले आपको स्टडी करनी है, एक नंबर फॉर्मूला स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बारे में स्टडी की है, क्या क्या है इसे, बैकग्राउंड क्या है, ये वो रिसर्च मारना होगा। ठीक है, दूसरा एनालिसिस, पहला क्या किया, स्टडी किया, दूसरा एनालिसिस, ठीक है, उसके बारे में समझे, स्टडी कर रहे हो लेकिन थोड़ा फिट करो, ये चीज से इंटर रिलेट करो, जिसके पापा की 4 फैक्ट्री है लेकिन मम्मी नहीं है तो लड़की जरूर इमोशनल होगी, क्योंकि पापा भी फैक्ट्री में जॉब करते होंगे, इसको मम्मी का प्यार तो मिला नहीं, पापा भी बस पैसे दे दे के इसको मतलब दिल से प्यार किए नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिलता होगा, यानी कि लड़की को सच में प्यार की जरूरत है। ये लड़की अमीर है लेकिन घमंड नहीं होगी, क्या किए, एनालिसिस किए, आपने रिसर्च किया कि लड़की का ये है, मम्मी नहीं है, ये एनालिसिस क्या किया कि लड़की को प्यार की कमी होगी। फिर तीसरा एक्शन, तीसरा एक्शन आपको टूट पड़ना है कि चलो आपसे जो एफर्ट बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको रिसर्च मारना है, स्टडी जिसको बोलो, दूसरा एनालिसिस करो, आप जो भी चीजें जो भी डाटा आपने उपलब्ध किया है कहीं से पता है उस पर दिमाग लगाइए। तीसरा चीज एक्शन, टूट पड़ो, स्टडी के बाद एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद आपको एक्शन करना है। ठीक है, हर इंसान पटने के लिए बैठा है, लोग बोलते हैं अरे नहीं ये नहीं पटेगा, अरे ये बहुत टफ है, इमोशनली बहुत टफ है, एफर्ट तो करो सही मायने में, कितना रिसर्च मारे उसके बारे में, लोग मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, इसमें टाइम आपका जाएगा, ठीक है, इसमें टाइम जाएगा, अब आपका मर्जी, या तो किसी को पाना है तो उसके लिए टाइम दो, टाइम तो देना ही होता है भाई। ठीक है, नहीं तो भाई अगर ज्यादा दिमाग खराब हो रहा हो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कुछ कुछ होते हैं पटने में बहुत टाइम लगता है, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो तो आगे बढ़िए, क्यों झमेला पाल रहे हो, समझ रहे हो। अब यहाँ एक और चीज है, आपने देखा होगा कि बहुत लोग कम टाइम में ही अच्छी खासी सुंदर मतलब हैंडसम लड़के को भी पटा लेते हैं। मान लो आप लड़की हो, कम टाइम में एकदम हैंडसम लड़के को पटा लिया। मान लो आप लड़के हो, कम टाइम में ही अच्छी खासी जॉब मतलब कोई भी लड़की को आपने पटा लिया, तो यानी कि आप समझे कम टाइम में आपसे कोई पट रहा, यानी कि आप बाय डिफॉल्ट आप में वो कॉमन पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसके वजह से आप घुस गए आसानी से उसके मतलब रडार में। कोई मान लो कि कोई लड़की है, उसको चाहिए ही एक हैंडसम लड़का, तो आप हैंडसम थे तो इसमें ज्यादा एफर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, घुस गए, ऑटोमेटिक घुस गए, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ही था कि हैंडसम क्यूट टाइप का लड़का चाहिए। मान लो कि कोई लड़का है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया है, उसके पॉइंट्स हैं कि मुझे ना देसी टाइप की लड़की पसंद है, मत जो थोड़ी घरेलू हो, जो शादी करे तो मम्मी का मेरा सेवा करे, उनको उसको देसी टाइप की थोड़ी गांव साइड की चाहिए, ठीक, और आप सच में एकदम देसी टाइप की लड़की हो, ठीक है, हिंदी बस बोलती हो, इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है, भाई उसके रडार में आप पहुंच जाओ,
वो लड़का भले ही कई इंग्लिश बोलने वाली लड़की को रिजेक्ट कर दिया होगा क्योंकि उसको वाइब्स नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन आपको वो पसंद कर लेगा क्योंकि उसके वो पॉइंट्स थे, उसके रडार की, उसका जो रडार है उसके अंदर का वो डिमांड था कि मुझे एक देसी लड़की चाहिए। इसलिए मुझे जो भी लड़के लड़कियां कॉल करते हैं बोलते हैं सर ऐसे ऐसे है, ये लड़की ऐसे है, ये लड़का ऐसा है, मैं इसको पटाना चाहता हूँ, मुझे टिप्स दो, मैं पहले बोलता हूँ स्टडी करो, मैं उसके बारे में पूरा डाटा निकलवाता हूँ, क्या जानते हो आप उस लड़की के बारे में मुझे बताइए, मैं पेपर वर्क करवाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ रडार में कैसे घुसना है। अब मान लो आप ऐसा लड़की को ही पटाना चाह रहे हो, एकदम लड़का को जो एकदम आउट ऑफ रेंज है, तो वहां भाई मुश्किल हो जाती है। इसलिए अधिकतर लोग नहीं प्यार में गिरा पाते हैं, समझ रहे हो। सिंपल जैसे जो आसानी से प्यार में गिर जाए उसमें तो आप लोग खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, ठीक है, उससे एक लड़का आसानी से पट गया तो लड़की को खुद मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो लड़का बहुत ही सिंपल उसको लगा, फट से पट गया, ठीक है। लेकिन लड़की को कब ट्रिगर होता है, जब कोई लड़का मुश्किल से पटता है, तो हम लोग वही प्रॉब्लम है, हम लोग से जो आसानी से पटता है तो हम लोग को खुद उससे बात करने मजा नहीं आता है, समझ रहे हो। जो लड़की आपको तड़पाती है, जो लड़का आपको पगलाता है अपने पीछे, वहां ठीक आप लोग ट्रिगर होते हो, ये साइकोलॉजिकल है कुछ, ठीक है, उसी के पीछे फिर और पागल रहते हो। इसलिए पहले सॉर्ट कर लो, खुद अपने माइंड को सॉर्ट कर लो कि इतना टाइम दूंगा किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को पटाने के लिए, इसके अलावा अगर ज्यादा टाइम लग रहा है फिर मैं आउट ऑफ रेंज समझ लूंगा, मैं छोड़ दूंगा। यही फॉर्मूला है भाई, ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। पहले आपको स्टडी करना है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करो, ठीक है, जिसको आप पटाना चाहते हो, जिसको अपने प्यार में गिराना चाहते हो, उसके बाद स्टडी किए, डाटा को एनालिसिस करो, सेकंड टिप्स एनालिसिस करना है, तीसरा एक्शन, समझ लो। अब जैसे बहुत लड़कियों को ये पसंद होता है कि कोई लड़का उनके लिए कार का डोर खोले, उनको एकदम फेरी टेल वाला वो प्रिंसेस खुद को समझना होता है, सबका अपना अपना है। एक लड़की है उसको बहुत पसंद होगा अगर कोई लड़का उनके लिए रेस्टोरेंट में चेयर मतलब पीछे घिसे और उनको बोले बैठिए ना, सबका अपना अपना होता है, कुछ लड़कियों को ये सब पसंद आता है। तो अगर आप वो चीज़ कर दिए एक्शन, उनके लिए चेयर क्लिक ये घिंच दिए या कुछ उन्हीं से ही ऑर्डर मंगवाए कि आप ऑर्डर करो ना क्या खाओगी, अरे बिल देने के लिए मैं हूँ, तो ये उस लड़की के रडार का डिमांड था, अगर आपने फुलफिल कर दिया तो लड़की आपकी अपट गई, समझ रहे हो। अब मान लो कि कोई लड़का है उसको एकदम सीधी साधी लड़की पसंद है, उसको सिगरेट पीने वाली लड़की पसंद नहीं है, लेकिन आप एकदम दिल्ली की टिपिकल दिल्ली की मान लो लड़की हो या मुंबई की, आप एकदम जॉब कर रही हो, फ्रस्ट्रेट हो जाती हो, बीच में सिगरेट पीती हो लंच टाइम में, और वो लड़का आपको देख लिया, तो उसके रडार की डिमांड तो थी नहीं कि सिगरेट पीने वाली लड़की चाहिए, वो सिगरेट पीने वाली लड़की को विलन समझता है मान लो, तो आपको वो देख लिया तो आपके वो आउट ऑफ रेंज चला गया क्योंकि आप उसके रडार में घुस नहीं पाए, इंप्रेशन आपका खराब हो गया, समझ रहे हो, तो वो नहीं पट पाएगा लड़का। सबका अपना अपना है। मान लो कोई लड़के को सिगरेट पीने वाली और गाली देने वाली लड़की बहुत मजेदार लगती है और आप सिगरेट भी पीती हो गाली भी देती हो तो आपको पसंद कर लेगा, समझिए सही गलत है जैसा कोई चीज नहीं है, यहाँ बस है कि पॉइंट्स क्या, मतलब पॉइंट क्या क्या रखा है वो अपने रडार में, ठीक है। तो आपको अगर किसी को अपने प्यार में गिराना है उसके रडार में घुसो, फिर वो आपसे जुड़ने लगेगा, ठीक है, फिर अपने रडार में उसको खींच लेना, पूरा साइकोलॉजी है भाई, सब कैलकुलेशन है, प्यार मोहब्बत क्या मैथमेटिक्स है, ठीक है, दो उधर कम करो तो दो इधर ज्यादा करना होता है, चार उधर जोड़ो तो चार इधर घटाना होता है, सब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, बैलेंस करना होता है, प्यार मोहब्बत क्या है भाई, पूरा साइंस है, ठीक है, खासकर मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी तो बाद में आता है जब घपाघप करते हो फर्टिलाइजेशन, समझ लो पहले मैथमेटिक्स है। हर इंसान पटने के लिए बैठा है, हाँ, अब कुछ लोग टाइम बहुत लगाते हैं पटने के लिए, तो इससे अच्छा सारा छोड़ ही दो ना, कैरियर पे फोकस कर पाओगे ना, जॉब पे कर पाओगे, क्यों उतना टाइम देना, पीछे पड़ोगे तो कौन नहीं पट जाता है, समझ रहे हो। तो जो भी आप लोग का क्वायरी था कि कैसे मैं अपने प्यार में गिराऊं, तो यही एक फॉर्मूला है भाई, कौन क्या, सबसे पहले स्टडी करो, दूसरा एनालिसिस करो, फिर एक्शन करो, ठीक है, स्टडी देन आफ्टर एनालिसिस करो देन आफ्टर एक्शन करो, टूट पर, ठीक है, कायदे से। अब मान लो कि हाँ, क्यों अधिकतर लड़के जो गाली गलौज देते हैं, शक करते हैं, ये करते हैं, उनसे लड़कियां दूर भागती है, क्योंकि अधिकतर लड़कियों का रडार का डिमांड है कि मुझे गाली देने वाला लड़का नहीं चाहिए, डिसरेस्पेक्ट करने वाला लड़का नहीं चाहिए, वो लड़का चाहिए जो थोड़ा छूट दे, लिबर्टी दे, ठीक है। तो जो लड़के थोड़े उनके डिमांड को फुलफिल करते हैं भाई हो जाता, नहीं तो अधिकतर लड़के लोग गाली देते हैं, शक करते हैं, तो अधिकतर लड़कियों का डिमांड नहीं रहता है, इसलिए लड़के को नहीं पटा पाते हैं, समझ लो। आई होप समझ गए हो भाई, सब कैलकुलेशन है, ठीक है, आप बस उसके रडार में घुसो, पट जाएगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी हैंडसम हो, कितना भी स्ट्रांग हो, सब पटने के लिए बैठे हैं, नहीं तो इतना ऐसा थोड़ी होता है। देखोगे कई गरीब लोग अमीर लड़की को या अमीर लड़के को पटा लेते हैं, क्यों, रडार में घुस गए, ऐसा थोड़ी अमीर लोग ही अमीर को पटा रहे हैं,
बहुत केस में तो अमीर लोग भी गरीब को नहीं पटा पा रहे। मान लो कोई अमीर लड़का है, कोई जरूरी है गरीब लड़की पटी जाए? वो गरीब लड़की का रडार का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अमीर होने के बाद भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लड़की को पैसे चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए अच्छा नेचर। तो ये अमीर है लड़का, लेकिन नेचर है चुतियापा, तो लड़की भाई मार दी लात पिछवाड़े, समझ रहे हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, एकदम 500 लाइक हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, काउंसलिंग फीस लगती है भाई, ठीक है। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।